भी है, पर पूरा जो है भी आईपीएससी कोई देख रहा है जैसे पूरा पुलिस का हुआ जैसे मैंने आज सुबह इनसे मेरी मुलाकात की है, जाने तब से मुझे लगा कि ये मुझे लाभ हुआ है, इनसे मेरी मुलाकात हुई है। कल हमारी बात हुई कि नहीं, एक दिन का डिवीशन हमारा है नहीं, बातें लगती है। हम यहाँ आए जैसे सर से भी मुलाकात हुई, अच्छा लगा। तो इस तरह की बातें होनी चाहिए। जैसे मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल, अगर 5000 स्टूडेंट का मेरे साथ अगर गहरा रिलेशन नहीं है, मैं दो दिन में सर मेरे कॉलेज में करता, मैं दो दिन मान लीजिए कहीं 18 दिन मान लीजिए, अभी तो छुट्टी है, पर अगर मान लीजिए कि जब नॉर्मल डेज में मैं 3 दिन नहीं हूँ सर, 4th डे मेरे रूम में सर नियर अबाउट 500 स्टूडेंट आ जाएंगे। कहाँ गए थे आप हमें छोड़ के? कसम से मैं बोल रहा हूँ सर, सर हमारा प्रॉक्सी क्लास कहता है, किसी कारण से टीचर नहीं है, पूरा दौड़ के आ जाते हैं बच्चे, सर आप बताइए फिजिक्स पढ़ाए, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ता हूँ, जिंदगी का फिजिक्स पढ़ता हूँ। क्या बात है, वो अगर सर मैं तो गवर्नमेंट को एकदम मिनिस्टर को मैं बोल देता हूँ सर कृपया हमें आश्रम बनाने को दीजिए, क्योंकि सर यही का रिश्ता सर। आज मैं भी आपको बाद में मैं पढ़ा के सुना रहा सर, आज एक मेरा बेटा हुआ फिर को लेकर सर, उसमें क्या था मैंने लिखा एस एम एस में मानो मैथ सर, और जब उर्दू कमा में है सर, मानो था के लिए गोश्त के लिए, असल में हम यही पढ़ते हैं ना कि गोश्त के लिए मानो था के लिए, यानी कि पेड़ अगर है तो इंसान रहेगा, पर हमको उसको उल्टा कर दिया कि इंसान अगर रहेंगे, इंसान का मतलब इंसान सर, वहाँ टोक कौन है सर, इंसान अगर रहेंगे तो पेड़ रहेगा। तो इसका मतलब है इंसान कितने बच्चों को लेकर, मेरे कॉलेज को बच्चों को लेकर पेपर में मेरा एडमिट है, मैं यहाँ देख रहा हूँ फोन आ रहा है, तो क्या है कि उसको पढ़ना जरूरी है ना, मैं तुम्हें ना पढ़ पाऊँ, मैडम को पढ़ना पाऊँ, सर को पढ़ना पाऊँ, आप दोनों को मैं पढ़ना पाऊँ, तो सर वो मैं टीचर नहीं हूँ। हम लोग टीचर हम तीनों बैठे हुए तीनों से असल में क्या है कि चेहरा हम पढ़ते हैं जैसे प्रिंसिपल का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा मुझे सर, बहुत अच्छा लगा। देन आपका वो सप्तः धारा का प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, अंग्रेजी भी मुझे अच्छा लगा, एनएसएस मुझे अच्छा लगा, बाकी दोनों डिपार्टमेंट मुझे अगर कोई भूले की प्रतिक्रिया है मैं तो 0 दे दूंगा, 1 भी मैं नहीं दूंगा। है कि नहीं आपको, आप बैठे हैं काम कर रहे हैं, खुल के बात कीजिए। इन चारों में से वो लड़की जो बोल रही थी थोड़ा सा मुझे लगा कि ये लड़की थोड़ी थोड़ी मेहनत भी है, यानी बच्चों के साथ कहने लगे, बाकी दिन तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हैज टू वर्क इन लिटिल चैलेंजेस थे अगर दिल का ऐसे रिलेशन कैसे होता है उसके, ठीक है आपका स्क्रीन 7 के 7 का है सर, ज्यादा फेलर टीम है सर वो डील विद इंग्लिश सब्जेक्ट्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, वो न्यू वाली का सो मेमोरी है आपको क्या और हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर पर्सी लोरिया देन कोई बढ़िया मैडम शी इज इन गुजराती मीडियम बिकम देन तर भी गुजरा मैडम शी इज इन इंग्लिश मीडियम बिकम then Jyoti Jadhav hello madam she is also in English medium become and then Nilesh sir he is in Gujarat medium become and Manish Joshi madam she is also in English medium become then chaired by other department like other department so how many visiting faculties for your program five six visiting faculties are there 7 + 6 30 total 13 Jyoti sir is the one only one who is full faculty all of us are visiting so what is the load madam how much hours you are teaching in a week there is 16 lectures 16 lectures okay
बीच दो No, 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 no
e-books, how many e-books in commerce you have? Any idea for your department, you have prescribed that you need these e-books for my department? E-books, business, which is a journal ke books, commerce, commerce, economics, these are the same. Any newspaper or financial or? Yes, there is newspaper, employment newspaper in the library. In our common room, we have four or five article journals and two or three books of e-books available regarding research. What are the e-books? What are the ideas? Research methodology. What's the word there? Research methodology. Research methodology? Yeah, research methodology, marketing management and stock market operations where are connected to the syllabus. Yeah, what are the fourth class starting here? I have mentioned also that commerce department takes easy way from arranging vendors to establishing stores to get sponsorship and all the marketing stuff to do for their own. They are studying how to manage the event. How to manage the finance. One thing we must appreciate, sir, they have maintained their distinctiveness within the university affiliated colleges. राधे कृष्ण सर, राधे कृष्ण सर,
इंदिरा गांधी तो बच्चे सर इसको सर पूरा संकु देना आ रहा है हां गणेश जनरल गणेश
छह महीने पूरा के साथ ही और छह महीने पश्चिम के साथ ही होता है। आपकी दिनों को अस्त हो चल रहा है एक महीने के बाद होगा। उसके बाद अगर ये बात सिंहगढ़ तो अभी सिंहगढ़ की रेखा को जाके हमारी संस्था ईश्वर है उन्होंने मंगल पर बहुत बड़े निशान भेजे हैं। बात सौ के निशान कहा जाता है। जैसे पृथ्वी पर जीव सृष्टि है वैसे ही जीव सृष्टि दशा मंगल पर भी जा सकती है। तो वहां पर भी पहुंच जाए ये मरकरी है बुध का सबसे छोटा है और सूर्य से नजदीकी का है बुध। अगर इस बुध को हम देख रहे हैं तो हमें सुबह या तो फिर शाम के वक्त ही देख सकते हैं कारण सूर्य से नजदीकी का ग्रह है इसलिए उनके प्रकाश से बहुत कम हमें देखने को मिलता है बुध। तो ये तो जो सभी ग्रह हैं वो सभी सूरज के आसपास घूम रहे हैं। तो हर एक ग्रह को अपनी अलग अलग धनुर्कक्षा जो सूरज का बहुत धन फल उसमें से 20 तारे ऐसे हैं हमारे सूरज से भी 80 90 हजार गुने प्रकाशित माने जाते हैं। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने पहुंचने के लिए सारा यानी 500 से एक जितना समय लग जाता है और जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से कभी करोड़ों किलोमीटर दूर है और हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हमारे लिए हमारे अलग अलग प्रकार का कॉन्स्टेलेशन है उनके बारे में जानकारी है। तो उनमें से पहली राशि कोई देखिए उन्हें मेष एक्स मेष राशि में सितारे हैं हमें अश्विनी हरे उसके ऊपर से मैंने एक आर्टिकल बनाया। क्या मेरी से
उसमें रिसर्च पेपर्स तो रिसर्च का कॉम्पोनेंट क्या था उसमें सब? रिसर्च का वो था सर कि महेंद्र मेघाणी का नाम था रिसर्च का राइटर का, तो वो जो बुक थी वो इतनी इंटरेस्टिंग थी सर कि लोगों तक अथवा तो लोगों ने उसको इतनी पढ़ी नहीं थी ज्यादा, तो मेरा ये मानना था कि लोग पढ़े उसे, लोगों के पास पहुँचे वो, और मेरे आर्टिकल से लोग जो है वाकई हो और वहाँ तक पहुँचे क्योंकि वो पढ़ने जैसी चीज़ घूमवा दी गई है। तो ये जितने सात रिसर्च पेपर्स किए ये सभी पाँच कंपनी क्या सर? सॉरी मैं सात जो पेपर भी लास्ट सर ये इनके मेरा टोटल है सर वो दो साल पहले के भी हो सकते हैं, तीन साल पहले के भी, पिछले साल के भी हो सकते हैं सर। मैं सर बेसिकली प्राइम मेरा डिग्री तो ये आ गया था, मेरा प्रोफेसर का डिग्री मैंने 2008 में नेट क्लियर कर ली थी सर, 2014 में मैंने पीएचडी कंप्लीट किया, मगर जॉब जो है वो मुझे मिली नहीं, मेरी अपॉइंटमेंट इसमें हुई नहीं, तो मैं था प्राइमरी, प्राइमरी में चार साल काम किया, तो वहाँ पे कुछ लिखना या प्राइमरी स्कूल सर, प्राइमरी स्कूल 6 to 8 हायर प्राइमरी गवर्नमेंट के अलग शुरू किया था गुजरात में, तो 6 to 8 में मैं था, उसमें चार साल काम किया, फिर मैं हाई स्कूल में आया, हाई स्कूल में आने के बाद जो मेरा काम जो थोड़ा रुक गया सर, थोड़ा ब्रेक लग गया, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा अलग काम करने पड़ गया, क्योंकि क्लार्क थे नहीं वहाँ पर जी, वो पावर नहीं था क्लार्क का, तो क्लार्क भी हमें काम करना पड़ता था, टीचर भी हम ही थे और प्यून भी हम ही रहे, क्योंकि प्यून भी नहीं था वहाँ पर सर, तो ये दिक्कत रहेगी, तो वहाँ पर थोड़ा जो लिखना और पढ़ना जो काम था वो थोड़ा मंद हो गया, और उसके बाद सर वहाँ 6.5 साल काम किया 2017 से 2024, उसके बाद फरवरी में मुझे यहाँ पे ये चांस मिला, और अब जो है मैं वो गति जो है मेरी वो बढ़ाऊँगा। और आपका मैडम आपका क्या पेपर और आर्टिकल में फर्क है? आर्टिकल इज वेरी डिफरेंट, रिसर्च नीड्स सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च कॉम्पोनेंट है, रिसर्च पेपर की बात अलग है, तो रिसर्च पेपर इज समथिंग वेरी डिफरेंट है ना। ठीक है मैडम आगे का सर मैं वो फ्रेंच नॉवेलिस्ट पोलो कोएलो अल्केमिस्ट उनकी एक बहुत अच्छी बेस्ट सेलर बुक हुई थी, तो उसी से में ऐसा हुआ कि वो गुजराती में अनुवादित तो हो गई द अल्केमिस्ट। अनुवादित तो हो गई सर गुजराती में, मगर लोग भोग्य नहीं बने, तो उस टाइम का जो फेमस एक हमारा गुजराती का दोस्तों ने बोला जो सर्कल में थे उन्होंने बोला कि तूने ये आर्टिकल बनाया, तूने लिखा, तूने इसकी बात की, तब हमने ये जाना, और उसके बाद सब ने वो पढ़ी और सब खुश हुए। तो ये भी कभी कभी होता है सर कि कुछ ऐसा होता है लोगों को मालूम नहीं होता है, तो छोटा सा आर्टिकल पढ़ते हैं उन्हें लगता है कि इसमें ज़्यादा जाना चाहिए और वो जाते हैं। तो अच्छी चीज़ें जो है उसको ट्रांसलेट करके आपने अपने लैंग्वेज में बोला जी, ट्रांसलेट तो था ही, ट्रांसलेट तो वो हो चुकी थी सबने, अल्केमिस्ट का कीमिया अगर नाम करके अनुवादित हो चुकी थी गुजराती, मगर फिर भी वो इतनी लोगों के नहीं बनी थी जी, गुजराती ही लोगों के पास नहीं पहुंची। समराइज करके जी यस आर्टिकल बना जी बिल्कुल, तो बहुत से लोगों ने उनका पढ़ना और उसकी किया अल्केमिस्ट। नेक्स्ट बोलना चाहते थे तो आप लोग इसके साथ जो भी आपसे प्रश्न पूछे, जो भी आपसे बात करें, आप उनको जरा सपोर्ट कीजिए। सर ये बच्चे हमें आपका थोड़ा स्वागत करना चाहती है हमारी, तो मैं मनोरमा भी आपसे विनती करती हूँ, हमारे भूतपूर्व विद्यार्थी ही है सर, और यहाँ पे उन्होंने अभी तक वो एक्टिव रहती है, हैंडवर्क का बहुत अच्छा काम करती है, देख लीजिए सर। अरे वाह बहुत अच्छा, पर
मेटे और डिस्कंपुरिया मणिपुरी लोग हो गए उन वे भारतीय संस्कृति में उनकी देन बहुत है। अभी हमारे वहाँ बिहू चलता है ऐसा में बिहू वैशाख महीने में बिहू मनाते हैं। अब मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला बहुत दूर समय हो। कारण यह है कि सबसे मेरी बात की चेयरमैन सारे से मैंने होनहार और जवान उम्र होने से भी कभी ऊपर उम्र होती नहीं तो उनसे मिलके उनको देखने को मौका मिला मुझे। देख तो लेते हैं लोग पर ऊपरी दृष्टि से नहीं आंतरिक दृष्टि से उनको पढ़ने का मैंने प्रयत्न किया और मुझे लगा कि रेल एक बहुत अच्छे सौरभ जी हैं। आज से करीब 8-10 दिन से उनके साथ संपर्क है तो कल या परसों वे बोल रहे थे पाठक जी हमारा ये रिलेशन 1-2 दिन का नहीं है और मैं भी प्रयत्न करूंगा जिंदगी जब तक रहेगी तब तक संपर्क रहेगा और बीते हुए कल को भूलना नहीं चाहिए। और आप सबसे भी हम कहते हैं कि हमें किताब बहुत कम पढ़ना चाहिए। मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि किताब बहुत पढ़ लेते हैं और ज़िंदगी की किताब नहीं पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि पढ़ना है तो एक खैर ही है पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख क्योंकि हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज़्यादा इन दोनों से मुझे पढ़ने को मिला और इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने को मिला। सुबह से मैंने पढ़ा लोगों को पढ़ा देखा अच्छा लगा आप लोग रियली अच्छे थे। अब दूसरी बात यही एक आप सबसे मेरा सवाल है छोटा सा सवाल है क्योंकि आप सब हमारे दोस्त हैं अब तो स्टूडेंट आप लोग है नहीं आप लोग स्टूडेंट में वहाँ खाना खाते वक्त भी आप सबसे हमारी आप सबको देखा अच्छा लगा। अब सवाल यही है आंसर सहज रूप में दीजिए लेकिन एकदम वास्तव रूप में आपके ज़माने का ये कॉलेज और आज का ये कॉलेज कितना बदलाव आया है अच्छा हुआ या खराब हुआ ऐसे मत कहिए क्योंकि देखिए मेरा जो कॉलेज इस कॉलेज से मैं आया हूँ मैंने पढ़ाई की गुवाहाटी में नॉर्थ का पहला कॉलेज था 1901 में कॉटन साहब के नाम से कॉटन कॉलेज में मैंने पढ़ाई वहाँ मैं टीचर 16 ईयर्स वहाँ प्रोफेसर के रूप में रहा लेकिन कोई अगर मुझे बोले कि आज का कॉटन कॉलेज कैसा है मैं कहूँगा वो बीटा और कल और कभी मिलेगा आपको नहीं आप सबको नहीं लगता है कि ये उस हिसाब से विकास नहीं हुआ कब है कॉलेज का मतलब क्या है 600 वर्षों से कॉलेज आगे बढ़ेगा ये तो नेगेटिव बात है कि नहीं है सर एक्चुअली ना इसके लिए ना एक मेंटालिटी जो होती है ना लोगों की वो भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर यही मेंटालिटी से चलते हैं कि अच्छा पूर्वतर है तो यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अगर हमारा बच्चा बाहर जाके पढ़ रहा है देन एंड ओनली देन दे विल गेट समथिंग बियॉन्ड पूर्वतर बट नाउ दे हैव स्टार्टेड के दे आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग हियर इटसेल्फ इन द कॉलेज तो अब हमें ये करना है कि यहाँ की जो लोकेलिटी है उनसे इनको यहाँ पे अगर आए वो देखे कि नहीं हमें पोरबंदर में अगर सारी ये चीज़ें मिल रही है तो डेफिनेटली दिस रेशियो इज गोइंग टू इंक्रीज क्योंकि हम भी अगर अपने बच्चे के बारे में सोचे मेरी बेटी को तो साइंस लेना था तो आई कंपल्सरी हैव टू सेंड हर आउट समवेयर सो आई थॉट ऑफ कि चलो मैं इस सौराष्ट्र से बाहर भेजना लेकिन अगर यहाँ का अगर मैं देखूँ कि मुझे लिटरेचर पढ़ना है था तब व्हेन आई केम हियर तो मुझे कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली आज उससे भी ज़्यादा इंटरनेशनल सेमिनार्स यहाँ पे हो रहे हैं सो दे आर गेटिंग लार्ज स्पेस फॉर दैट वो अब बढ़ गया है। अगर वो पेरेंट्स आके देखे और बच्चों के साथ बातचीत करे और उन्हें समझाए कि अगर हमें पोरबंदर में ही ये सारी चीज़ें मिल रही है फिर भी तो नहीं आ रही वो कहीं मैंने बोला ना कि वो मेंटालिटी पर डिपेंड करता है लेकिन
लीजिए कि समुंदर के बीच में एक टापू है, वहाँ एक बहुत बढ़िया दफ्तर रहते हैं और हम जाएंगे कि नहीं। यहाँ पूर्वोत्तर में टापू वाली बात छोड़िए ना, टापू में कोई है डॉक्टर, बहुत बढ़िया डॉक्टर, तो उस डॉक्टर को दिखाने के लिए हम जाएंगे कि नहीं। तो अगर यहाँ ढंग से पढ़ाई हो रही है तो यहाँ तो अवश्य नहीं, मेंटेलिटी नामक कोई चीज़ होती नहीं। उसमें क्या होता है, मान लीजिए आसाम में अगर बहुत बढ़िया एक इंस्टीट्यूशन है तो पूर्वोत्तर से आसाम आराम से दौड़ के आ जाए, कि नहीं है? मुझे लगता है, मुझे लगता है अभी सही है, लेकिन क्या होता है कि लेकिन आना चाहिए था सर। इतने वक्त में कौन महिलाओं के सबसे बड़ा नाम जो हमारे इंडिया में है, झांसी की रानी, यही समझ में जा सकता सबको देखते हैं। और रीजन हमने भी अपना प्रेजेंट माहौल जो आप देख रहे हैं उनका भी वैल्यू पर ही था, तो जो सीनियर लेडीज हैं सीनियर हैं बच्चे भी होंगे आपको और वो भी एजुकेशन कुछ सिक्स सिक्स में होंगे, हमारे बच्चे बड़े हैं, तो आपने की डिफरेंस फील जो किया वो थोड़ा ऑब्जर्व करना की होता है कि जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आप लोगों ने लिया था और जो आपके बच्चे चाहे वो इंटर के पहले के हों या जो बाहर कॉलेज में जा रहे, तो यू फील डिफरेंस कि यहाँ पर जो आपने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लिया था वैल्यू बेस्ड और वो अब जो उनको मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि मतलब आप बताए कि मतलब बच्चे आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें और आपकी एजुकेशन इस कॉलेज का जो डिफरेंस है जो अलग है जो यूनिकनेस है वो यूनिकनेस जो ऑब्जर्व किए गए ये यही कि आप लोग वैल्यू बेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे जो भी आ रहे हैं उनको वैल्यू बेस एजुकेशन मिले, तो आप और जो पब्लिक स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से या प्राइवेट कॉलेज से और हैं उनके कंपेरिजन में कोई डिफरेंस बता पाए अपनी उनकी स्ट्रेंथ बता पाए जो आप लोगों ने ऑब्जर्व कर अपने टाइम में और जो आप लैक कर रहे हो अपने बच्चों को। और यहाँ पे जो मतलब अपनापन का जो माहौल है ना, तो वो क्या सिखाता है हमें लाइफ को कैसे हैंडल करें? आजकल के बच्चे सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, शायद इसीलिए सुसाइड का रेट बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से वैल्यू जब तक रहेगा कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं हो सकती, तो झड़े हैं वो यहाँ से ही होती है। पर हमारे टाइम में जो गुरुओं से हमें अपनापन मिलता था ना, तो दे आर कनेक्टेड विद देयर स्टूडेंट्स वेरी इजीली। नाउडेज इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है ना, तो सब इमोशनली टर्न हो रहे हैं, डिस्टर्ब है। तो एक डिस्टर्ब नीचे दूसरे डिस्टर्ब को कुछ नहीं सिखा सकते। जिस तरह से यहाँ पे डिलीवरी होती है वो दिल से होती है और दैट मैटर।
that shapes our personality. Your batch? I was 2002 batch. 2002 graduation? Yeah, I completed in 2002. 2002? Yeah. BA or BCom? BA with English literature. Yeah. Yes, sir. Please. Department से हमारी मुलाकात हो रही है. जी सर. सुना मैंने कि मैं जिस प्रांत का हूँ, जी सर. उस डिस्ट्रिक्ट का, मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है बरपेटा. BRPETA. द्वार समय. वहाँ एक कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज. वहाँ स्टूडेंट है 530. गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ गई कि आपका जो कॉलेज है इस कॉलेज को हम बंद करेंगे. और बगल में ये कॉलेज है एमसी कॉलेज, और उस एमसी कॉलेज के साथ इस कॉलेज को मार्च करेंगे. तो कल, क्योंकि ये समय का तकाजा होता है, समय की बात होती है, तो आज कल परसों लेंगे अगर इस स्थिति में हम रहेंगे तो परसों ये कॉलेज भगवान जाने ये कॉलेज इन उसूल में रहेगा कि नहीं रहेगा, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा. क्योंकि आजकल चेंज हुए हैं ना, साइन में चेंज हुए हैं, इतने कॉम्स मिले हैं इस कॉलेज में, उसूल बनते हैं, ये बात हो सकती है. और वैल्यू वाली जो बात है वो सफर सेफ है, उसका भी अच्छी बात थी. What is the purpose, what is the mission,
विजन पर्पज ऑब्जेक्टिव. दिस इज द थर्ड साइकिल ऑफ एक्रेडिटेशन फॉर दिस इंस्टीट्यूशन. एक्रेडिटेशन से क्या होने वाला है, दे विल गेट अ स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस. आगे चल के यूनिवर्सिटी हो सकता है. फॉर दैट दिस एक्रेडिटेशन इज वेरी गुड. आप सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा जाते हैं संस्था का. फिर संस्था यहाँ पे है, हमें उसको यहाँ लेके जाना है. वॉट वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट, वॉट इज द रोल ऑफ ईच एंड एवरी एलुमनाई, हाउ आई कैन सी दिस माई इंस्टीट्यूशन इज एट दिस लेवल एंड हाउ इट कैन राइज टू दिस. इसके लिए ये सभा है आज की. हम लोग बात करने जा रहे हैं, वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड ईच अदर, हाउ वी वुड लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसमें टीचिंग लर्निंग है. हम बोलते हैं कि एक बार यदि कोई कैंडिडेट यूनिवर्सिटी में आ जाता है या कॉलेज में आ जाता है, ही कम्स एज अ पर्सनैलिटी एंड इमर्ज एज अ विनिंग पर्सनैलिटी. व्हाट इज विनिंग पर्सनैलिटी? ही शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प एंड स्पिरिचुअली एजुकेटेड. पर मेरे ख्याल से ये चारों भी चीज़ें यहाँ पे है. स्पोर्ट्स प्रार्थना होती है, योगा प्राणायाम होता है. When you are turning out as a winning personality, you have these four qualities. Yes. Correct? मैं अभी आपको थोड़े क्वेश्चन पूछूंगा. How many you are from 66 to 70 batch? कितने लोग हैं? पांच साल का मैं अभी टप्पा कर रहा हूँ. 66 to 70 कोई है मैडम आपका पास आउट बैच? 76. So you are coming under 75 to 80. कितने लोग हैं 75 80 में से यहाँ पे? One. Okay. ठीक है. 80 to 85. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, my goodness. So 85 to 90. 90 to 95. In between 90 to 95. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 95 to 2000. Thank you. 2000 to 2005. 2005 to 2010. 2010 to 2015. 1, 2, 3, 4. 2005 to 2020. हमारे जो कलीग्स हैं वो